हे वेलकम अगेन गाइस, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आपको मैं इसका एक सेकंड पार्ट दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको यहाँ का एक बहुत ही सुंदर पार्क दिखाऊंगा। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक सुंदर व्यू। देखिए कितना सुंदर ये दिख रहा है। आपको चारों तरफ पहाड़ियाँ दिख रही होंगी, स्कॉटलैंड के चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने साइकिल में पार्क। आप इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो उन्हें भी देखें। और ये रेड लाइट है, यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा। जब ग्रीन लाइट आई है हम तभी क्रॉस कर सकते हैं। मैं अपने साइकिल में हूँ और यहाँ साइकिल के लिए देखिए कितना अच्छा टनल बना रखा है। ये सीधा पार्क में जा कर निकलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे पार्क हैं लेकिन ये पार्क हमारे घर के बिल्कुल पास है। पहुंच चुके हैं हम पार्क, ये है इसका मेन गेट। चलो करते हैं अब एंट्री। ये देखिए दोस्तों, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक फुटबॉल का ग्राउंड है, यहाँ पे लोग फुटबॉल खेलते हैं। और ऑन राइट हैंड साइड पे ये बास्केटबॉल का कोर्ट है, यहाँ पे बास्केटबॉल खेलते हैं। और अब आपको एक दिखेगा एक सुंदर सा लेक। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर ये लेक है, यहाँ पे बहुत सारे बतख और पक्षी हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि इन फूलों को हमारे यहाँ उत्तराखंड में बुरांस कहा जाता है और ये उत्तराखंड में काफ़ी मिलते हैं। इंडिया में उत्तराखंड में आपको रेड कलर की जो यहाँ पे वैरायटीज़ हैं वो देखने को मिलेंगी, पर स्कॉटलैंड में आपको काफ़ी तरह के पिंक, वाइट, येलो। दोस्तों यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए भी बना रखा है ये छोटा सा प्लेग्राउंड उनके लिए। यहाँ पे बहुत सारे झूले लगे हुए हैं। आजकल लॉकडाउन में सब बच्चे अपने घर पे हैं, वरना इस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी बच्चे देखने को मिलते हैं, काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पर जगह जगह बैठने के लिए चेयर भी लगा रखी है।